हम आक्रामक रहेंगे। ये रचनात्मक रचनात्मक सहयोग का मंत्र जो हम हमेशा दिया करते थे वो एक जमाने में हुआ करता था, पर जब उस साइड नरेंद्र मोदी हैं रचनात्मक सहयोग का सवाल ही नहीं उठता है। हम आक्रामक रहेंगे और जो जो भी करेंगे नरेंद्र मोदी, हम मांग करेंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं चुनाव के समय उसको पूरा करें, जुमलाबाजी खत्म हो, तुगलकी निर्णय नहीं लिया जाए। अभी तो सरकार बनी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हमारी नीति क्या रहेगी जब सरकार बनेगी। पहले राष्ट्रपति का भाषण होगा, बाद में बजट पेश किया जाएगा अगले महीने, वो सब देखा जाएगा। पर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बदलने वाली नहीं है, वो उनका चरित्र जो है ऐसे ही है, वो बिल्कुल तानाशाही है। वो एक सिर्फ उनमें एक ही, वो एक ही चीज जानते हैं, एक तंत्र का तोप चलाना चाहते हैं। इसीलिए एक संदेश दे रही है पूरा इंडिया, जो जनबंधन है, जो अलायंस है, इसीलिए संदेश जनबंधन के, इसीलिए संदेश दे रहा है कि ना जाकर एक बिल्कुल 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 रचनात्मक सहयोग के लिए दो हाथों की जरूरत होती है, बातचीत की जरूरत होती है, विनम्रता पूर्ण बातचीत होनी चाहिए। देखिए कभी कभी मैं आपको यह बता दूं, अहंकाचार्य विनम्राचार्य नहीं बन सकता। ये खेल खेल सकते हैं एक दो दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए, नायडू के सामने, नीतीश बाबू के सामने अहंकाचार्य विनम्राचार्य बन जाते हैं, सेंगोल नहीं ले जाते हैं पर अभी संविधान पर माथा टेकते हैं, ये सब क्या है, डोगलेपन है सर, ये सब हिपोक्रेसी है। आपकी बात से बस आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, विपक्ष जा भी नहीं रहा है, तो क्या आप चलेगा जब तक चले? नहीं नहीं, देखिएगा, देखिए, देखते जाइए क्या होता है। जो विरोधाभास है एनडीए में, जो विरोधाभास है, देखिए एनडीए में दो आई नहीं है जो इंडिया में है, इंडिया में दो आई हैं, ईमानदारी और इंसानियत। एनडीए में दोनों आई नहीं है तो सिर्फ एनडीए हैं, तो अभी क्या करें? ये नरेंद्र्स डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं, ये नरेंद्र्स डिस्ट्रक्टिव अलायंस एनडीए, अच्छा नाम है ना, नरेंद्र्स डिस्ट्रक्टिव अलायंस, या नरेंद्र्स डिमोलिशन अलायंस, या नरेंद्र्स डेफेमेशन अलायंस, यही है एनडीए। तो विरोधाभास है अंदर, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, जेडीयू कुछ चाहती है, ये टीडीपी कुछ चाहेगी, सो सब देखते जाइए, पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें अपने आप को मजबूत करना है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और जो जिन राज्यों में हमारा प्रदर्शन हमारे उम्मीदों से कम था उस राज्यों में हमें समीक्षा करना है, विश्लेषण करना है, चुनावी नतीजों का कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे संगठन को लेकर, वो सब हम करते रहेंगे, अपने आप को हम मजबूत करेंगे। हम 101 तक पहुंच गए हैं, अभी 101 तक पहुंच गए हैं।